अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हारिस जो कि नए उभरते हुए नौजवान पेशावर ज़ल्मी के। आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? और हारिस ये बताइए कि आपको गूगल क्यों कहा जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह? जी, गूगल क्यों मुझे इसलिए कहा जाता है, ये U19 में मेरा नाम रखा गया था क्योंकि मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और टीममेट्स मुझसे जो भी सवाल करते थे मैं उनको फटाफट यूँ जवाब दे देता था। और क्योंकि मेरे काम ही ऐसे थे, गूगल वाले थे, मैं सब चीज़ें तेज़ करता था, प्रैक्टिस पे टाइम पे जाना, अपने रूम को साफ़ रखना वगैरह वगैरह, तो बहुत चीज़ें इसमें आती थी डिसिप्लिन वाइज, तो इसलिए उन्होंने मेरे काम वगैरह देख के, मेरी नॉलेज देख के मेरा नाम गूगल रख दिया था। हारिस ये बताइए कि जो बी द बेस्ट का आपने वो टैग दिखाया है 50 करने के बाद, तो उसके पीछे क्या राज है? जी, बी द बेस्ट के पीछे तो कुछ कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि 50 करने के बाद मैं कुछ नया करूं, तो इसलिए वो टैग मैंने शो किया लोगों को कि हमेशा बी द बेस्ट रहे। और ये एक पैगाम भी है, एक हिसाब से ये एक पैगाम भी है कि हमेशा बी द बेस्ट रहे हर शोबे में, चाहे आप जो भी काम करें तो बी द बेस्ट रहे हमेशा। हारिस साहब ने जो कल कैच पकड़ा लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़, तो इतनी गेम अवेयरनेस कैसे जहन में आई और ये कैच कैसे पकड़ लिया? जी, मैं चाह रहा था कि मैं, क्योंकि आज मुझसे रन नहीं हुए थे, तो मैं चाह रहा था फील्डिंग में कुछ ऐसा कर सकूं कि अपनी टीम को फ़ायदा दे सकूं। तो जैसे ही वो कैच आया जाज़ी भाई के पास, तो मैं भी उस टाइम उधर मौजूद था तकरीबन, तो मैं जल्दी जल्दी भागा चला और आखिर तक मैं बॉल को देखता रहा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए जाज़ी भाई से, तो मैं उधर, मुझे उधर मौजूद होना चाहिए और कैच पकड़ना चाहिए मुझे। तो मैंने वही किया, बॉल पे नज़र रखी और जैसे ही उनसे छूट गया, मैंने जल्दी से वो पकड़ने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कैच पकड़ लिया। तो बहुत खुशी हुई है कि टीम को उस कैच से फ़ायदा हुआ। ये बताइए आरिस, के जब आपको सुपर ओवर के लिए भेजा गया कप्तान ने, तो थोड़े घबराए नहीं? जी बिल्कुल, सुपर ओवर में जब आपके मुखालिफ शाहीन भाई बॉलिंग कर रहे हो तो बिल्कुल प्रेशर होता है, लेकिन मैं वहाब भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, टीम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे शेख भाई के साथ सुपर ओवर में खेलने का मौका दिया। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, भाई से फ़ख्र है मेरे लिए कि मुझे, हालांकि टीम में हैदर अली, कामी भाई, हज़रतुल्लाह जाज़ी भाई, ये सब मौजूद थे, फिर भी मुझे भेजा गया, मुझ पर ट्रस्ट किया गया। तो आइंदा भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि ज़मीन मुझ पर जितना ट्रस्ट करेगी उस पर पूरा उतरूँगा और उनके ट्रस्ट को ज़ाया नहीं होने दूँगा इंशाल्लाह। हारिस अपने फ्यूचर के बारे में बताएं, क्या करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में? जी बिल्कुल, फ्यूचर गोल तो बहुत हाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको अचीव करना चाहूँगा इंशाल्लाह। एक तो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन करने हैं और दुनिया क्रिकेट पर राज करना है, नंबर वन विकेट कीपर बैट्समैन रहना है और मिस्टर 360 डिग्री का प्लेयर भी बनना है, ये भी एक मेरा अहम गोल है। तो फ्यूचर में बहुत गोल्स हैं इंशाल्लाह, उन सबको पूरे करना है और उसके लिए मेहनत दरकार होती है और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करूँगा तो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, मेहनत करूँगा और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे अपने गोल्स को अचीव करने में मददगार हो, आमीन। जी ये थे मोहम्मद हारिस हमारे साथ। मोहम्मद हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम ब्रदर।